नाजरन ग्रामी्य क़द्रामक स्पॉटलाइट के मज़ज़ नाजरीन आपको स्पॉटलाइट में खुश आमद कहता हूँ बेशक तबलीग करना एक बहुत ही अच्छा और पसंदीदा अमल है जो हर मज़हब और फ़िरक़े में अंजाम दिया जाता है लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हर मज़हब में कुछ ऐसे भेड़िए भी होते हैं जो मज़हब का लिबादा ओढ़ कर दूसरों की इज्जतों को तार तार करते हैं ऐसा ही एक नाम नहाद मबलग आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो याशी की हर बुलंदी को छू चुका है लेकिन यह ख़ुद को एक मजहबी शख्सियत साबित करने पर तुला हुआ है आज की वीडियो में हम जानेंगे उस शख्स के मुतलक कि यह कौन है और क्यों अपने सामने बरहना ख़वान का डांस देखता है प्यारे दोस्तों इस शख़्स का नाम अदनान अनार है और इसका ताल्लुक तुर्की से है और वहाँ यह एक इस्लामी मुबलक के तौर पर जाना जाता है इसने तबलीग की खातिर एक टीवी चैनल भी ख़रीद रखा है जिस पर यह जवान और नीम बरहना लड़कियों को तबलीग करता है लेकिन तबलीग के साथ साथ इसे अक्सर इन लड़कियों के साथ बेहूदा डांस करते हुए भी देखा गया है जो सरासर इस्लामी तलीमत के ख़िलाफ़ है सिर्फ यही नहीं बल्कि इसने अपना एक फ़िरका भी बना रखा है जिसके बुनियादी अकायद में ये शामिल है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जिसे कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता क्योंकि हर मुसलमान इसराइल को एक नाजायज़ रियासत के तौर पर जानता है इसलिए ये सादा लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने में आसानी से कामयाब हो जाता है कहा जाता है कि वो इस्तम में एक शानदार महल में रहता है जहाँ अक्सर अवकात इसकी नीम बरना खुत के दरमियान तस्वीर सामने आती हैं जबकि इसके मुरीदों के मुक दावा किया जाता है कि इनमें से अक्सर को निजी यूनिवर्सिटी से भर्ती किया गया है अदनान उतार नामी इस नाम नहाद मबलिक ने उन्नीस सौ बयासी में इस्तमुल में अपनी इस्लामी तंजीम की बुनियाद रखी उस वक्त से अदनान उतार नामी इस नाम नहाद मबलिक ने बहुत सी दौलत इकट्ठी की और अपना असर रसूख बनाया अगरचे माहरीन के मुताबिक ये जानना या मालूम करना मुश्किल है कि इसकी आमदन का ज़रिया क्या है इसके अलावा इसने हारून याहिया के फर्जी नाम से दुनिया की मतदीद ज़ुबानों में कुतब भी शाया की हैं जो कि काफ़ी मकबूल है हारून यहिया के नाम से छपी एक किताब में नजरिया अरतिका को झूठ करार दिया गया और ये किताबें सरकारी हुक्म गैर मुल्की सफ़ारत खानों और सहाफ़ियों को इरसाल की जाती हैं जो इसमें लिखी गई बातों पर तहकीक करते हैं दो हज़ार दस में बी बी सी न्यूज़ के एंड्रियो मार्क को दिए गए इंटरव्यू में अदनान अवतार ने डारन के मुतलिक कहा था कि वो एक प्रिंसिपल हैं जिनसे दौरे हाजिर के दहशत गर्द मुता उसने यहाँ तक कहा कि हिटलर मोसोलिनी स्टालन और दीगर मशहूर दहशतगर्दों ने वाज तौर पर कहा है कि वो डार्विन के जेरे असर हैं और डार्विन के बगैर दहशतगर्दी तकरीबन नामुमकिन है अदनान अवतार ने दावा किया था कि हिटलर को बरतानिया की डेफसेट इकतदार में लाई थी दोस्तों डेफसिट दरअसल एक सियासी नज़रिया है जिसमें दावा किया जाता है कि ताकतवर लोगों को एक ग्रोह का फौज के साथ एक ताल्लुक़ होता है और इस ग्रोह में ये सलाहियत होती है कि वो हुकूमती पालसियों को कंट्रोल कर सकें याद रहे कि इसके अलावा नान उतार को रमज़ान में पुरयु रफ्तारी करवाने की वजह से भी जाना जाता है जिसका अहमाम इस्तंबूल के महंगे तरीन होटल में किया जाता है जिसमें बैनि तनजीमों के अरकान और सियासतदान शामिल होते हैं अदनान उतार के मजहब के मतलब तहकीक से मुबैना तौर पर यह शवाहद भी मिले हैं कि इसमें ख़वात को कायल किया जाता है जिसमानी ताल्लक़ के सेशन में शिरकत करें और इस दौरान इनकी ब्रहना तस्वीर बनाई जाती हैं ताकि इनको ब्लैक मेल करने के बाद इनको इस्तेमाल किया जा सके इस तंजीम में शामिल होने वाली खुवा के घर वाले बताते हैं एक बार लड़की ने इस तंजीम में शिरकत की तो उसके बाद घर से तमाम रबते मुनकता हो जाते हैं और फिर वो दोबारा अपने खानदान के साथ नहीं मिलती इस फिरके सबक अरकान के मुताबिक लड़की की अदनान उतार से शादी के बाद वो बाकी तमाम अरकान के लिए बहन करार दे दी जाती है और मर्द अरकान से दोबारा जिनसी ताल्लुक कायम नहीं कर सकती बाज़ का कहना है की अगर कोई खातून बहन नहीं बनती तो उन्हें मोटर करार दे दिया जाता है जिसका मतलब है कि वो मतदीद अफराद के साथ जिनसी तल्लक में हैं और मर्दरकान को इजाज़त होती है कि वो मोटर के साथ जिनसी तल्ल कायम कर सकते हैं ये वाज रहे रहे कि माजी मैदनान इन इल्ज़ाम को मस्त कर चुके हैं और अपनी ज़ात पर इन हमलों को बरतानवी खुफिया सर्विस की निगरानी में होने वाली बैन अवी साजिश करार दे चुके हैं अमेरिका में नाइन अलेवन हमले के बाद अदनान उतार ने खुद को बैन अमजाहब के कारकुन के तौर पर पेश किया कहा जाता है कि माजी में यहूद मुखालिफ राय और तनकीद के बरक्स अदनान की हालिया बरसों में इसराइल के साथ काफ़ी अच्छे तल्लुत हैं अदनान और इसकी तंजीम के कई अरकान कई बार मौकों पर इसराइल जा चुके हैं और वहाँ इनकी आला मजहबी और के साथ मुलाकात हो चुकी है जबकि इसराइली भी आ चुके हैं यहाँ तक कि दो हजार सत्रह में एक वफद ने अदनान की सरबराही में इसराइली पार्लियामेंट का फौरी दौरा किया था जहाँ अला हकाम से मुलाकात का मौका मिला और इसराइल के वजीर अजम बनियामिन नितिन याहू से खसूसी तौर पर तारुफ़ करवाया गया नाजरीन गिरामी याद रहे की तुर्की की अदालत ने नाम नहाद इस्लामी फ़िरके के सरबरा अदनान उतार अलमारूफ हारून को ख़वातीन और बच्चों के साथ समेत में साल की कैद सुनाई थी अदनान उतार और इसके सैकड़ों पैरोकारों को दो हजार अठारह में पुलिस ने इस्तंब के गेस्ट हाउस में छापे के बाद गिरफ्तार किया था जनवरी दो हजार इक्कीस में अदनान उतार को दस अलग अलग इल्जाम में एक हजार पचहत्तर साल की कैद सुनाई गई थी लेकिन बाद में एक आला अदालत ने इस सज़ा को कलदम करार दे दिया था जिस पर मुकदमे की दोबारा समात की गई थी और इस मुकदमे की दोबारा समात के बाद इस्तांबुल की आला फ़ौजदारी अदालत ने बुध के रोज़ अदनान उतार को जिनसी ज़्यादी और मतदीद ऐसे केसेस के बायस आठ हज़ार छः सौ अट्ठावन साल की क़ैद सुनाई जबकि अदालत ने उसके साथ शामिल दीगर मुलजमान को भी आठ हज़ार छः सौ साल की क़ैद की सज़ा सुनाई उतार पर एक क्रिमिनल गैंग चलाने, सियासतदान और फौज की जासूसी नाबालिगों के साथ जिनसी ज़्यादा अस्मत दरी और ब्लैक मेलिंग के इल्जाम भी आयद हैं इसके अलावा दो हज़ार सोलह में इस पर तुर्की के ख़िलाफ़ नाकाम बगावत की कोशिश के मास्टर माइंड अमरीका में मुकम तुर्क मजहबी स्कॉलर फ़तहुल्ला गोलन की तंजीम की मदद का इल्ज़ाम भी लगाया गया था हारून याहिया के अहाते की तलाशी के दौरान पुलिस ने छह ट्रक्स तारीखी मसनूआत और कदीम नवादरात के अलावा चार सौ से जायद यादगार तोड़े सत्तर हथियार और तीन हजार से जायद हमल गिराने वाली गोलियां और लग्जरी गाड़ियों और काबिल लिहाज नकद रकम को बरामद किया गया है आपको बताते चलें इसने तो सिर्फ एक मुबल्लिक होने का दावा किया लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसे बदबक भी मौजूद हैं जो खुद को नाउस बिल्ला इमाम महदी कहते हैं जैसा कि रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले एक मलून ने भी इमाम महदी होने का दावा किया था जिसका नाम शकील अहमद बताया जा रहा है उस शख़्स ने अपनी फेसबुक आईडी के जरिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की इसने अपनी आईडी से मुख्तलिफ पोस्टें शेयर कीं। इसके अलावा भी एक शख्स ने अल्लाह के मुक़र्रब नबियों का नाम लेकर खुलेआम तोहीन की और ये तोहीन इस कदर बढ़ गई कि जब उसे कोई अपना मिलता तो उसे कहने लग जाता कि मैं नाउजबिल्ला इमाम महदी हूँ मेरी शक्ल बहुत से अम्बिया से मिलती है इसलिए मुझ पर इ्हाम भी होता है लिहाजा जो भी मुझे अपना रहबर मान लेगा वो बहुत नफ़े का सौदा करेगा दूसरी जानब इसके कभी फ़ेल की वजह से तमाम शहर में लोग आग भगोला हो गए और इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के बाद ये नतीजा निकला कि यह शख्स जहनी मरीज है लेकिन अभी मसी तहकीकत जारी हैं जिसके बाद कोई हतमी बात सामने आ सकती है इसके अलावा भी अगर आप रिसर्च करें तो आपको ऐसे जो ख़ुद को ना उस इमाम महदी कहते हैं लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अदनान उतार की तरह इन्हें कब सजा सुनाई जाएगी और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्स अमान में रखे और अपने ईमान की हिफाजत करने की तोफीक़ कतः फरमाए इलाही अमीन